ईशान व्लॉग्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और आज मौसम इतना अच्छा है ना, शुक्र है कि गर्मी कुछ कम हुई है, वरना तो एसी के बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन यह कि आज शुक्र है कि मौसम अच्छा है। कल भी बड़ा अच्छा हो गया था, बारिश भी हुई और ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आज ही बनने लगा है पुलाव चनों वाला, तो मैंने कहा चले आए आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, आज पुलाव बनने लगा है। और आज किचन में ना मल्टी टास्क हो रहे हैं, काफी सारे काम हो रहे हैं। ये बनने लगा, साथ में बर्गर बन रहे हैं। ये हम अपने चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रेसिपी जो सी है, ये आपको मेरी रेसिपी आपको नेक्स्ट डे मिलेगी या एक दिन पहले मिलेगी, लेकिन ये आपको आज वाले व्लॉग में नहीं मिलेगी, ये अलग से मिलेगी। तो चले करते हैं काम स्टार्ट। ये देखिए, मैंने ना बर्गर का सारा सामान भी निकाल के रखा है। आज मेरा चैलेंज होना है मेरा, और पता नहीं अब जिशान करते हैं कौन करते हैं, कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया, उसकी तैयारी चल रही है। ये यहाँ पे जो चने हम रखने लगे हैं बॉयल होने के लिए, देखो चने अच्छे हो गए। शान मुझे कह रहे थे आपने कम टाइम भगोया, मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी जितनी ज्यादा है ना वो ठीक हो जाएंगे। वैसे तो इनको ओवरनाइट भगोना चाहिए, लेकिन बस एकदम से हमारा प्लान बन गया कि हम जी वो बना रहे हैं पुलाव। एक तो ना ये हमारा बड़ा मसला जी, क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं, समझ ही नहीं आती क्या पकाना। चावल मंगवाए? हाँ जी, हाँ जी, चावल घर पड़े हुए हैं। ठीक है, चावल पड़े हैं। चावल आपको पता है मैं हमेशा थोड़े थोड़े रखती हूँ, ये देखेंगे बस ठीक है। रात के लिए, रात के लिए हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएंगे, रात के लिए बन रहे हैं हमारा। कौन सा इसमें हम नमक डाल देंगे? और तो सुबह नाश्ते के लिए क्या करना है? हमारी बेटी सब्जी के बगैर नाश्ता नहीं करती। नहीं करती भाई, हम कर लेते हैं। हम तो गरीब लोग चार भी खा लेने, अंडा भी खा लेने, पूरी साड़ी के बड़े नखरे है। वो तो कहती है जी मुझे सब्जी चाहिए हर सूरत। एक दिन हमने नाश्ता रख लिया टेबल पे, नाश्ता करने के लिए बैठ के अंडे भी बना दिए, चार भी डाल दिया, लेकिन उसने नाश्ता नहीं किया। फिर चने मंगवाए बाजार से, फिर उसने नाश्ता किया। हाँ जी, फिर नाश्ता किया। वो सब्जी के बगैर नाश्ता नहीं करती, अंडे के साथ भी नहीं करती, चार के साथ भी नहीं करती। हम लोग कर जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, पुलाव के लिए चावल भिगो दिए हैं। हाँ जी, और कुकर भी हमारा चलना शुरू हो गया। ये कुकर जो उनसे चलना शुरू हो गया, इसको तकरीबन 15-20 मिनट वेट लगाएंगे ताकि चने गल जाएं। और ये देखें जी, ये कल कपड़े धोए थे हमने, कल बारिश शुरू होगी तो फिर, और ये गीले हैं, सिले सिले, और अभी तक इनको तय करके नहीं रखा। नहीं नहीं, मैंने देखे थे कि ना सिले सिले से लग रहे थे, इसलिए मैंने ना इनको तय नहीं किया। अच्छा, और ये हमारे पैरट्स देखें, ये भी, और ये देखें जी इनके काम, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? चींटियां, ये देखें जी ये चींटियां ढूंढ रहे हैं। ये देखें, बैड न्यूज भी है, हमारी तोती ने ना सारे अंडे तोड़ दिए, सब अंडे। ये देखें, एक दो तीन चार, तो चार अंडों के शेल पड़े हुए हैं। और ना एक अंडा नीचे गिरा हुआ था, और वो ना ठीक ही था, टूटा नहीं था, क्रैक भी नहीं था उसके अंदर। वो मैंने उठा के ना वापस मटकी में डाल दिया था। अब देखें तो वो अंडा निकलेगा कि नहीं, बाकी इन्होंने सारे तोड़ दिए। ये दूसरी दफ़ा इन्होंने अंडे तोड़ दिए हैं, शायद गर्मी की वजह से या क्या किया है। और ये देखें जी, पुलाव बनाने के लिए तड़का जो उनसे हमने बाहर ही रख दिया। अगर सिलेंडर भी किचन में रखें तो वो देखिए ऑलरेडी दो चूल्हे जल रहे हैं, फिर बहुत गर्मी हो जाएगी किचन में। और सिलेंडर हमने रख दिया इधर बाहर, इधर ये तड़का रखा है। हाँ जी, किस दिन करना है? सेंग गैस भी कर लेते हैं एक दो दिन में। जिशान बड़े दिन हो गए, अब मैं कितने दिनों से आपको कह रही हूँ सेंग गैस कर लो। चलो एक दो दिन में कर लेते हैं, देखते हैं एक दो दिन में, सैटरडे या संडे को करते हैं। हाँ छुट्टी वाले दिन है ना, हो सकता मैं आपसे घर के काम करूँ। हाय हाय, तैयारी पकड़ के रखना। तैयारी मैंने कौन सा पहले कभी नहीं की ना, कितने होन पाए कितने होन है, पर ये तो चैलेंज में करने है ना। क्या पुलाव के लिए मसाला? हाँ जी, ये पुलाव के लिए मसाला तैयार हो रहा है। मैंने कहा साथ साथ ना हम काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखे, अदरक लहसुन ना वो रखा हुआ है, काट के रखा हुआ है, उसको भी पीसना है मैंने। वो बोतल में भी थोड़ा सा था, मैंने कहा पहले वो ख़त्म हो जाए। तो आज हम पुलाव में ऐसे लंबा लंबा स्लाइस करके ना अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन नहीं, अदरक अदरक बस, अदरक लहसुन नहीं डालना।
और ये सेइंग यस कर लो, सेइंग यस कर लो, ऐ ना होए कि तनु कोई खर्चा पै जाए। चलो कर लेते हैं सेइंग यस। कर लो ना, जल्दी कर लो यार, मुझे मैंने कितने सारी चीजें सोची हुई है, मैंने वो करवानी है आपसे। प्रोन हो गया और अब इसमें ये मसाला डाल दिया। आजी डालते हैं अभी चिकन क्यूब डालते हैं। चिकन क्यूब ना कुछ है छड़ना, तुसी तो बस ना चना पुलाव में चिकन क्यूब का तो मजा आता है। जी जी आता है। अब इसमें डालें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने मिर्ची डाली है, तो फिर वो मिर्ची ना बहुत ज्यादा गले में नाक में लगती है। ये जो शुर शुर की आवाज आती है, ये थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, जरा ये टमाटर जो है ना ये सॉफ्ट हो जाए। ये जी इसके अंदर नमक, मिर्च और वो है सूखा धनिया, गरम मसाला मैं नहीं डालती और हल्दी भी नहीं मैं चावलों में डालती, उससे ना मज़ा नहीं आता। और चिकन क्यूब, हाँ जी चिकन क्यूब भी है, चिकन क्यूब तो ऊपर ही नज़र आ रहा था दसना जी। तो ये लें जी, ये हो गया हमारा मसाला रेडी। बस अब इसमें चने और पानी डालना है। इसमें हम ना ये जो चनों के अंदर पानी है ना ये ज़रा देखेंगे, ये जो चनों के अंदर पानी है ना हम इसके साथ ही डाल देंगे ताकि ना जो क्या कहेंगे इसका भी टेस्ट आ, हाँ टेस्ट भी आ जाए और दूसरा पानी जो है ना वो गर्म भी ना दोबारा करना पड़े हमें। इसी में हम ना ये वाला डब्बा छोटा एक डाल देते हैं क्योंकि वो छोटा वाला मैंने लिया था वो पतली ले गया। ये देखें जी चने हमने डाल दिए हैं, ठीक है ना। अब जब इसको उबाला आएगा ना इसको हमने ढांक देना, जब उबाल आएगा फिर इसके अंदर हमने चावल डाल, चावल भी साथ ही डाल दे मैं तो नहीं, नहीं साथ ही डालेंगे फिर। ये जी पैटियां हमारी रेडी हो गई हैं, एक रह गया वो अब हम डाल देते हैं। ये देख कितनी मजे के, बड़ी टेस्टी हैं ये। ये आप क्वालिटी चेक करें मेरी बीवी की, एक साथ कितने काम कर रही है, फ्राइज भी बन रहे हैं, बर्गर भी बन रहे हैं। मेनू कदर है, मैंने तो कहा है जी नहीं आपको नहीं है कदर, पुलाव भी बन रहा है। मल्टीटास्किंग मैंने पहले ही बोला, मैं तो काम ऐसे ही करती हूँ, किचन में एक काम हो ना तो मुझे वैसे ही लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं हुआ। इसलिए सारे काम साथ साथ। ये देखे पानी उबल गया और अब इसमें चावल डालने हैं। नहीं चूल्हा ठीक है ताकि ये सिलेंडर पे है तो मैं कर तो जरा, नहीं सिलेंडर पे तो वैसे वो नहीं लगता थे, सिलेंडर पे कहाँ से एक लगता, सिलेंडर पे सिलेंडर तो दरमियान में लगता है यार। अच्छा अच्छा हाँ ये देखिए सिंक भर गया बर्तनों का, हम साथ ही बर्तन धो लेते हैं। मैं धो देता हूँ। नहीं जी तो सिर्फ रहने दो, कोई बात नहीं, सुबह भी तो धोए थे नाश्ते के बाद। चलो चलो नहीं निशान आपने सुबह नाश्ते में बर्तन क्यों धोया ये बताओ सुन। ये जी गिर गई थी तिलक के, स्लिप हो के गिर गई थी और घूम घूम के गिरी थी चरपाई पे लगा बाजू, जैसे वो इंडियन ड्रामो की हीरोइन गिरती है। बाजू पे क्या हुआ है, चोट लग, बाजू पे चोट लग गया, ये आपको 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। अब क्या करना है इसको, बस दम दम दमा दम, हाँ जी दम दमा दम दम। कितने मिनट ये दम लगेगा जी, 10-15 मिनट लगा लेते हैं हम क्योंकि वो सिलेंडर पे था ना इस वजह से। और ये देखें जी इधर हम बांध के जो वो बर्गर के जो बांध है उनको सेक लगवाने लगी हूँ। हम 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 ठीक है। अच्छा एक साइड पे तो मायोनीज लगानी थी, अच्छा बेबी के हम मायोनीज नहीं लगाएंगे क्योंकि बेबी को पता नहीं क्या है मायोनीज पसंद नहीं आ रही। ये जो सिंपल से बर्गर होते हैं अभी जब मैं शान के लिए बनाती हूँ ना फिर मैं इसमें ना कोई खीरा टमाटर काट देती हूँ, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते खीरा टमाटर, तो बच्चों को तो फिर ना ऐसे ही दे देती हूँ। ओ अच्छा भाई ये देखो ये डायनासोर नहीं है, हाँ, है ना डायनासोर, हाँ जी। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे स्प्रेड करेंगे तो डायनासोर तो आपका खत्म हो जाएगा, है मिर्ची है ना करे खत्म। अच्छा मेरे बच्चे को हर
हर चीज में डायनासोर चाहिए भाई, खाने में डायनासोर, सोने में डायनासोर, वो जो बर्थडे पे गिफ्ट मिला डायनासोर उसको रात को रह के सोता है, कल उसको नहला दिया इसने, पहले उसको कलर करता रहा, फिर उसके दांत ब्रश किए इसने, और उसकी जो वो था ना उसके अंदर ना एक म्यूजिक बजता था, वो म्यूजिक उसका खराब कर दिया। अब गीला करेगा तो गीला करके तो फिर यही होगा ना वो भी। ये देखें जी, ये केचप वाले ले गए हैं दोनों अपने। हाँ जी, वो अपने अपना ले गए उठा के, अब ये हमारे बन रहे हैं। खाने का चैलेंज करना है, किसके साथ करना है? मेरे साथ, रोनी के साथ करना, मेरे साथ ही करना, मैं जीतूंगा। अच्छा हाँ, अब आ जाओ बे, मैं हार जाऊंगा। हाँ मैं जीत दूंगा। बर्गर हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, ये अपना खाना लेके आ गए हैं, अपना अपना बर्गर और फ्राइज लेके आ गए हैं। ये बेबू कैसे बने हैं? यम्मी बने हैं मानो। जी जी, शैन पुलाव कैसा बना? अच्छा किधर पुलाव? हाँ जी, आप बड़े तेज हैं, आपने अपने लिए नान मंगवा लिया है और साथ में ये मंगवाई हैं जी दुमचियाँ। नहीं नहीं, हम एक्चुअली किसी जगह गए थे, उधर भी मेरे दोस्त हैं, भाई समझ ले मेरे बड़े, उनके घर गए थे, उन्हें कहा भी था कि हमने खाना नहीं खाना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उन्होंने खाना। हाँ लेकिन उधर भी मैंने थोड़े से राइस खाए थे क्योंकि मैं इंसुलिन नहीं लेके गया था। तो ये पुलाव जो था, ये अब घर भी पड़ा हुआ था, अभी हम खा रहे हैं। अभी क्या टाइम हुआ? अभी तो 11 बज गए, 10 बजे 10:30 आए हम। हाँ, और अभी हम खाना खा रहे हैं। और आज आप ऐसी बात देखेंगे, खाना घर पे पक्का था, और ये रोनर साहब ने खाना खाया ही नहीं। कहता जी मुझे पता ही नहीं था कि खाना पका। पता ही नहीं था खाना पका, ये एक्चुअली घर था ही हमारे साथ। तो चलिए पुलाव टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा पका। यम्मी है। कैसा बने बेबी? यम्मी बने ना जी। ये पुलाव जो था ये बहुत अच्छा बने। तो ये बेगम साहब ने कहा था आज थोड़ी सी दुमचियां मंगवाए था। हाँ जी, ये बड़ी मजे की है, हमारे यहाँ से मिलती है। हाँ जी, उसकी दुमचियां बहुत मजे की, उसकी नहीं जो भी दुमचियां बनाते हैं अच्छी होती है। हाँ जी हाँ जी, तो पुलाव वाकई बहुत मजेदार है। अच्छा तो चले जी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ करें, जल्दी 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 खुदा हाफिज़।